गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट होम. माई सेल्फ आकृति परिक, योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर. लेट्स स्टार्ट टूडे सेशन. सो स्टूडेंट्स, टूडे वी विल डू क्राफ्ट वर्क. Today we will do button fish craft number 31 and it is on page number 36. ठीक है, यहाँ पर आपको सारा material दिया हुआ है. हमें button से fish बनानी है. ठीक है, और आपको ये craft करने में बहुत ही मज़ा आएगा. एकदम easy है, ये बिल्कुल भी hard नहीं है ये वाला craft. okay, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप बहुत enjoy करोगे students. okay, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्राफ्ट सेशन. अभी यहाँ पर क्या है, पूरा सी का ड्राइंग आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, ये पानी है, नीचे प्लांट्स दिए हैं, स्टोन्स है, कोरल प्लांट्स है, वो सब दिया हुआ है. अभी टेक्स्ट बुक के पीछे जो मटेरियल है वहाँ पर आपको ऐसे बटन का एक पैकेट दिया हुआ है. तो आपको क्या करना है, वो सारे बटन्स निकालने हैं. जितने भी हैं आपके पास वो बटन्स को निकालने हैं और उससे हमें फिश बनानी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बटन्स को हम रैंडमली पहले चिपका देंगे, फिर उसको हम डेकोरेट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम ये चिपका देते हैं बटन्स. ये आपको फेविकॉल से ही चिपकाना पड़ेगा. फेविस्टिक से आई थिंक ये अच्छे से चिपकेगा नहीं. ओके, तो बटन के पीछे आपको ऐसे ग्लू लगाना है और उसको पेस्ट कर देना है. रैंडमली कहीं पर भी बटन्स चिपकाने हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं है. पूरा पानी का पोर्शन कवर हो जाए वैसे आपको चिपकाना है इसको. ओके, तो मैंने यहाँ पर ये बटन्स इतने चिपका दिए हैं. अब ये बहुत छोटे हैं तो ये तीन बटन्स मैं नहीं चिपका रही हूँ, उसको हम साइड पे रख देंगे. ठीक है, अभी हमारा ये बटन्स पेस्ट करना हो गया. अभी हम क्या करेंगे, अभी हम उसकी टेल बनाएंगे. उसको थोड़ा सा प्रेस कर दो हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं. ठीक है, अभी हम फिश की टेल बनाएंगे, टेल और उसकी विंग्स बनाएंगे. उसके लिए मैं यहाँ पर ब्लैक स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ. आपके पास अगर ब्लैक स्केच पेन नहीं है तो आप कलरफुल स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले उसकी टेल बना रही हूँ. उसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर देते हैं. ठीक है, और ऊपर उसकी विंग्स बनाते हैं ऐसे. ओके, ठीक है, सारी फिश में हम ऐसे उसकी टेल और विंग्स बना देंगे. ये फिश की मैंने लंबी टेल बनाई है.
बटन निकल नहीं जाए उसका ध्यान रखना। ओके ठीक है, तो यहाँ पर सारी फिश की मैंने टेल बना दी है और उसकी विंग्स बना दी है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम उसकी आइस बनाएंगे। आइस के लिए आपको मटेरियल में ऐसे ब्लैक बिंदी का पैकेट दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से एक एक बिंदी आपको निकालनी है। वो पैकेट में से आपको बिंदी निकालनी है और यहाँ पर थोड़ा आगे की साइड बटन पे थोड़ा आगे की साइड आपको ऐसे चिपकाना है। ओके, यहाँ पर ये मैंने चिपकाई है, वैसे आपको बिंदी पेस्ट करनी है ताकि वो उसकी आइज हो जाएगी। ठीक है, ब्लैक बटन है तो उसके ऊपर ब्लैक बिंदी थोड़ी कम दिखेगी पर फिर भी चलेगा। और थोड़ा सा आगे की साइड लगाना ताकि उसकी इफ़ेक्ट अच्छे से आए, आइज जैसा लगे उसका। ओके, सारी फिश है वहाँ पर, मैं आगे की साइड वो लगा रही हूँ। आपके पास अगर घर पे पुरानी कोई कलरफुल बिंदी पड़ी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये सारी फिश की मैंने आइस कर दी है। ओके, तो हमारी फिश ये पूरी रेडी हो गई है। अभी हम क्या बनाएंगे, बबल्स बनाएंगे। बबल्स कैसे बनाना है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ईयरबड से दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर ईयरबड, आपके पास अगर वाटर कलर है तो आप ईयरबड यूज़ करके कर सकते हो, पर अगर किसी के पास वाटर कलर नहीं है तो वो लोग डायरेक्ट स्केच पेन से भी बबल्स यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक जो बबल है वो वाटर कलर से दिखा रही हूँ। ये ईयरबड आपको लेना है, ये ईयरबड को वाटर कलर में, ब्लू वाटर कलर में आपको इसको डीप करना है। ठीक है, ये ब्लू कलर में मैंने डीप किया है। अभी इसको मैं यहाँ पर ऐसे सिंपल डॉट लगाने हैं। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है उसको, हल्के से सिर्फ दो तीन डॉट लगाने हैं तो ईयरबड की इफ़ेक्ट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना ये। और अगर आपके पास ईयरबड है पर अगर कलर नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आपको स्केच पेन से करना है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लू स्केच पेन से कैसे करते हैं। तो अभी बाकी की जो तीन फिश है वो मैं आपको स्केच पेन से दिखा रही हूँ। ये ब्लू स्केच पेन से मैं यहाँ पर इसके बबल कर रही हूँ, छोटे से दो तीन सर्कल करना है, ज़्यादा बड़े नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास घर पे कलर अवेलेबल नहीं है तो आप स्केच पेन से या तो क्रेयॉन्स कलर वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कितना सुंदर लग रहा है ना ये क्राफ्ट हमारा। सो आवर क्राफ्ट बटन फिश इज कंप्लीट नाउ। होप यू ऑल एन्जॉय दिस क्राफ्ट सेशन। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय, थैंक यू।